बिजनेस में कभी कभी पुराने लोगों की रिजिडिटी और उनकी इमोशनल इमेच्योरिटी विकास में बाधा बन जाती है। बिजनेस की शुरुआत में यह पुराने लोग बहुत काम आए हुए होते हैं, लेकिन बिजनेस जब आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, उसके प्रॉब्लम्स जब बड़े हो जाते हैं, तब उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। और उस वक्त ये पुराने लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। खुद की अथॉरिटी चली जाएगी, उनकी सत्ता चली जाएगी, उसके डर से, या उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता या ट्रेनिंग नहीं होती, उसकी वजह से वो अपने आप को बदल नहीं पाते। बिजनेस की विकास की यात्रा में ऐसी चीज़ें बाधा बन जाती हैं। यदि बिजनेस में समय समय पे नई सोच, नई एनर्जी, कुछ नयापन नहीं आता रहेगा तो बिजनेस बासी हो जाएगा और कंपटीशन के सामने नहीं टिक पाएगा। पुराने लोगों को यह बात समझाने की कोशिश करिए, वे पूरे दिलो दिमाग के साथ इस यात्रा में शामिल हो सकें उसके लिए कोशिश करिए। लेकिन समझाने के बाद भी अगर पैसेंजर नहीं समझता है तो उसके लिए बस को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक पैसेंजर के लिए बस अपना रास्ता, अपना रूट, अपना स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। यदि आप पुराने लोगों को निकालना नहीं चाहते, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर उनकी बिहेवियर की असर ना हो ऐसी जगहों पर बिजनेस में उनको पार्क करिए। बिजनेस के सारे डिसीजंस ठोस वास्तविकताओं पर एकदम प्रैक्टिकली लें, उसमें इमोशंस को बीच में ना लाएं।